हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपीट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर 2018 के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हमें काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस मिले हैं। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से जब भी आप लोग क्वेश्चंस भेजते हैं तो कुछ नए नए क्वेश्चंस ही सेंड करिए जो आपने पहली बार एग्जाम में देखा है या फिर मैंने कभी उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए। तो इससे क्या होता है कि आपको भी उनका आंसर पता चलेगा और प्लस आने वाले दिनों में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको नए नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ओके, तो आइए देख लेते हैं किन किन लोगों ने आज क्वेश्चंस भेजे हैं। तो सबसे पहला नाम है राहिला सिद्दीकी, ज्ञान प्रकाश, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्होंने काफ़ी मेहनत की और 30 क्वेश्चंस भेजे हैं और काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस हैं। अंकुर कुमार, इन्होंने 35 क्वेश्चंस भेजे हैं और इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस भेजे हैं। अगला नाम है नेहा नसरा खान, तो इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है, कई बार रिपीट हो चुका है, FTP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंटल कंट्रोल द्वारा माता पिता अपने बच्चों द्वारा इंटरनेट पर की गई गतिविधि की नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, गतिविधि को नियंत्रित कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है और इस टाइप का क्वेश्चन हमने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है IMA प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे देखिए IM का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग और इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है IRC इंटरनेट रिले चैट। ओके, और कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, IRC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट रिले चैट एक प्रोटोकॉल है जो इंस्टेंट मैसेजिंग में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुपरस्क्रिप्ट की लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की, तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बताना है। तो यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और मैं कई बार इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, तो यहाँ पे देखिए एक्सेल वर्ड यूज कर लिया गया है। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वर्ड या फिर पावर पॉइंट यूज किया गया, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन तीनों में अगर हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप माउस से स्टार्ट बटन का प्रयोग ना करें तो, और इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट किया है, तो इस क्वेश्चन का मतलब पहले यहाँ पे समझ लीजिए फिर ऑप्शंस भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि अगर आप माउस को यूज किए बिना अगर शॉर्टकट या स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट पेज पे इसके ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कीबोर्ड से स्टार्ट मेन्यू ओपन करने की शॉर्टकट की, तो यहाँ पे शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस्केप की। यहाँ पे जैसा कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस एस्केप से आप स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डोमेन सब डोमेन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस लिखे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मेन डोमेन्स लिखे हुए हैं, जैसे कि .mil जो कि मिलिट्री के लिए यूज किया जाता है, .gov.com.fun, ये चारों के चारों हमारे मेन डोमेन है। यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से सब डोमेन कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो मे बी ऑप्शन कुछ डिफरेंट रहे होंगे। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास है या ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उसका करेक्ट आंसर आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हेक्साडेसिमल में C11 को C लिखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा फॉल्स क्योंकि हेक्साडेसिमल में 11 को हम B से लिखते हैं और 10 को A से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा फॉल्स और इससे पहले जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसमें पूछा गया था कि हेक्साडेसिमल में 14 को किससे लिखते हैं या ई से लिखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और इस बार ये नया क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर की शाब्दिक लंबाई को मापते हैं, तो शाब्दिक लंबाई को हम बिट में मापते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देखते होंगे 32 बिट, 64 बिट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 32 बिट का है, 64 बिट का है, मीन्स एट अ टाइम वो 64 बिट के डेटा को प्रोसेस करता है। यहाँ पे जो कंप्यूटर की शाब्दिक लंबाई है उसको हम बिट्स में मापते हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर में फास्ट फॉन्ट साइज एवं रंग बदलने का विकल्प होता है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऑप्शंस बदलना चाहते हैं मीन्स फॉन्ट या कलर्स बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है सेटिंग के अंदर, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंटरनेट ऑप्शन, उसके अंदर जब आएंगे तो एक ऑप्शन होता है अपीयरेंस। तो यहाँ पे जैसे कि कंटेंट नॉर्मल ये सब लिखा हुआ है, इसकी जगह पे एक अपीयरेंस ऑप्शन होगा जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सेल के वर्कबुक में निम्न में से, और इसको कंटिन्यू किया गया है नेक्स्ट पेज पे,
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सेल की वर्कबुक में इनमें से क्या इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है वर्कशीट, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो हमारा पॉपअप होता है बंद करने से अतिरिक्त वेब पेज को बंद किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन होगा ट्रू। जैसे कि आप कभी किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, वहां पे ऑटोमेटिक कुछ पॉपअप विंडोज ओपन होके आते रहते हैं, अगर वहां पे आपने पॉपअप ऑफ कर रखा है, सेटिंग में जाके आपको ऑफ करना होता है, अगर आपने ऑफ कर रखा है तो उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा पेजेस या एक्स्ट्रा पॉपअप विंडोज आते हैं वो ओपन होना बंद हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन होगा ट्रू। तो अगला क्वेश्चन है, वेब पेज पर किसी इमेज के माध्यम से दूसरे पेज पर जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही यहाँ पे क्वेश्चन होगा ट्रू। आप अगर किसी इमेज के साथ में हाइपरलिंक ऐड है तो आप उस इमेज पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे किसी पेज पे चले जाते हैं, जैसा कि आप नॉर्मली देखते होंगे कई सारी वेबसाइट्स पे किसी इमेज पे क्लिक करने पे किसी दूसरे पेज पे आप चले जाते हैं, तो ये क्वेश्चन होगा ट्रू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल प्लस यू के माध्यम से टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा फॉल्स, क्योंकि कंट्रोल प्लस यू के माध्यम से हम अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में वर्कशीट को एक्टिव रहती है, बाकी वर्कशीट से अलग दिखाई देती है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके समझ लीजिए, जो हमारी एक्सेल सीट होती है इसमें जो सेल होते हैं, जो एक्टिव सेल जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा होता है उसका जो कलर है या वो अलग तरीके से हाईलाइट होती है बाकी अदर सेल से जो नॉन सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा बिल्कुल सही, क्योंकि जो हमारी सेलेक्टेड सेल होती है वो या एक्टिव सेल होती है वो अलग तरीके से हाईलाइट होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा ट्रू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होता है हमारा कंट्रोल प्लस F2, और ये सभी में कॉमन होता है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेल के फाइल एक्सटेंशन XLS का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका और मैं कई बार इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, इसका होता है एक्सेल स्प्रेडशीट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुकमार्क और यहाँ पे 6 पर तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ था, तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कम्प्लीट आंसर बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अगर ये कम्प्लीट क्वेश्चन आप में से किसी के पास है तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक की शाखाएं भारत में सबसे अधिक हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक में खाता कौन खोल सकता है, ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, अनपढ़, NRIN, भारतीय नागरिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM का पासवर्ड रखना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है याद करके, तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड लिखा हुआ है बूटिंग, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ईमेल प्राप्तकर्ता के पास पहुंचकर किसी कारणवश वापस आ जाता है तो सॉफ्ट बाउंस होता है, तो ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल सही। देखिए दो तरीके के बाउंस होते हैं, हार्ड बाउंस एंड सॉफ्ट बाउंस। जब आप किसी को मेल सेंड करते हैं, आपने गलत ईमेल आईडी टाइप करके किसी को मेल सेंड किया है तो होता है हार्ड बाउंस, और अगर आपने मेल सेंड करेक्ट ईमेल आईडी टाइप करके और किसी को मेल सेंड करते हैं, और इन केस अगर उसका मेल सर्वर डाउन है या फिर उसका इनबॉक्स फुल है, वो मेल रिसीव नहीं कर सकता, तो उस केस में होता है सॉफ्ट बाउंस। तो अगर ईमेल इनकरेक्ट है इट मींस प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंचेगा, अगर करेक्ट है तो उसके पास पहुंचता है लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाता है किसी रीजन से, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट बाउंस, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और कई अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हम वर्ड में एडिट तथा फॉर्मेट दोनों में कमेंट कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैं इसको देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट सा इस क्वेश्चन में लग रहा है। अगर आपके पास ये करेक्ट क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अदरवाइज मैं इसको रिव्यू करूंगा, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है, और यहाँ पे इन्होंने पूरे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, इन्होंने एक ही ऑप्शन लिखा है, पास्कल एक विकल्प था, बाकी विकल्प अलग थे जो याद नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, FRAM की स्पीड एवं पढ़ने की, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्षमता SRAM से तीव्र होती है, तो ये क्वेश्चन होगा फॉल्स, क्योंकि FRAM कोई रैम नहीं होती, यहाँ पे DRAM और SRAM होती है, अगर यहाँ पे FRAM की जगह DRAM होगा तब भी ये क्वेश्चन फॉल्स होगा, क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है SRAM की वो सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू DRAM।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द रेट ईमेल के नाम तथा डोमेन नेम का अलग अलग करता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि एट द रेट सिंबल यूजर नेम और डोमेन नेम दोनों को अलग करता है, तो क्वेश्चन होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य निम्न में से क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन हार्डवेयर को व्यस्त रखना, और ये क्वेश्चन इससे पहले भी कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कैप की का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए शुरुआत से अगर आप टेक्स्ट को कैपिटल में करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल कैप की हम ऑन करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन दिया है शुरू से टेक्स्ट को कैपिटल करने हेतु, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भेजे हैं अंकुर प्रजापति जी ने, जो काफी मेहनत की इन्होंने, काफी सारे क्वेश्चंस भेजे हैं, काफी न्यू क्वेश्चंस हैं, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस में सिंबल यूजर नेम और सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिर आगे पूछा गया, और यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी एट द रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ईमेल में संदेश और डोमेन नेम दो अलग अलग भाग होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा फॉल्स, क्योंकि जो हमारा ईमेल होता है उसमें संदेश और डोमेन नेम एक साथ दोनों नहीं होते, तो ये क्वेश्चन होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन यहाँ पे यूनिवैक 1 जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा, और इसको मैं कई बार डिटेल में डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में इमोजी अभिव्यक्ति प्रकट करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा ट्रू, चाहे हम ईमेल हो या फिर मैसेज हो, अगर हम वहाँ पे हमें एक्सप्रेशन शो करने हैं तो उसके लिए इमोजीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रथम जनरेशन में हुआ था, तो ये क्वेश्चन होगा फॉल्स, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारे सेकेंड जनरेशन में यूज हुए थे, जबकि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल में वॉइस को सेंड कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें ये क्वेश्चन होगा ट्रू, ईमेल से हम वॉइस को भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ईमेल में पहले न्यूमेरिक फिर अल्फाबेटिकल से यूजर आईडी बना सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पहले अच्छी तरीके समझ लीजिए, जैसे आप ईमेल आईडी लिखते हैं तो आप 123 ABCD इस तरीके से यूजर नेम क्या ले सकते हैं, ऐसा कुछ बोला गया, मींस पहले नंबर फिर उसके बाद अल्फाबेट्स उसके बाद एट द रेट फिर डोमेन नेम, तो यहाँ पे पॉसिबल है आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा ट्रू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यूजर आईडी से दो ईमेल अकाउंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा फॉल्स, हम दो अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंफ्यूज स्माइली डिनोटेड बाय, तो यहाँ पे जो कंफ्यूज स्माइली का सिंबल होता है वो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, कॉलन के साथ में हम एस अगर लगाते हैं तो ये होता है कंफ्यूज। ओके, तो कुछ और क्वेश्चन है जो देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन एक मशीन है, तो ये क्वेश्चन होगा फॉल्स, ये क्वेश्चन इससे पहले भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ब्राउजर खोलने पर जो प्रथम पेज होता है उसे क्या कहते हैं, वो होता है होम पेज, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है, तो ये क्वेश्चन होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर दो अलग अलग प्रिंटर के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि बहुत सिंपल सा है, आई होप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी की से फाइंड रिप्लेस होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एच, जबकि फाइंड के लिए बात करें तो कंट्रोल प्लस एफ यूज करते हैं, और दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो मे भी यहाँ पे ऑप्शंस को डिफरेंट रहे होंगे, क्योंकि दो करेक्ट ऑप्शन एक साथ दिए नहीं जा सकते, और अगर ऐसा दिया है तो यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है, और यहाँ पे दोनों का मतलब अलग अलग है, फाइंड के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एफ और रिप्लेस के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन जिन फोल्डरों में टेम्परेरी इंटरनेट फाइल रहती हैं आमतौर पर उनमें डाउनलोड की गई, और यहाँ पे कुछ डॉट डॉट लिखा हुआ है, अपने विजिट की गई कुछ वेब पेज साइट द्वारा आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर राइट की जा की जाती हैं, तो यहाँ पे देखिए कुकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, जब आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्फिंग करते हैं तो कुछ कुकीज होते हैं जो आपके सिस्टम में आके स्टोर हो जाते हैं, और वो होते हैं हमारे हार्ड डिस्क में एक टेम्परेरी फाइल के अंदर स्टोर होती है, टेम्परेरी फोल्डर के अंदर स्टोर होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी नहीं लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, और इससे हम ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे डिक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट, अगर फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है तो उसकी ये शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रिपल स्पेस होता है, तो यहाँ पे देखिए
ट्रिपल स्पेस इन ऑप्शन में से किसी से भी नहीं होता है, क्योंकि ट्रिपल स्पेस की शॉर्टकट कीज नहीं होती। आप सिंगल स्पेस कर सकते हैं, 1.5 स्पेस कर सकते हैं मींस 1.5 स्पेस कर सकते हैं, और 2 स्पेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस 2 से होता है डबल स्पेसिंग, और कंट्रोल प्लस 5 से होता है 1.5 लाइन का स्पेस। अगर आपको पैराग्राफ में करना है तो कंट्रोल प्लस 5 यूज करते हैं, और अगर सिंगल लाइन का स्पेसिंग करना है तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस 1 यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी से रिलेटेड पूछा गया है। 1.5 लाइन स्पेस होता है तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस F5 जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की F7, ये भी काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वैन सबसे महंगा और धीमी गति है, तो ये भी ट्रू होगा क्योंकि वैन को सेटअप करने के लिए काफी सारे महंगे महंगे नेटवर्किंग डिवाइसेज यूज करने पड़ते हैं, जैसे ब्रिज है, राउटर है, और इसकी स्पीड एज कंपेयर टू लैन कम होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड दूसरे नोड से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। मेस टोपोलॉजी में सारे नोड एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को यह भी कहा जाता है, तो इंटरनेट पे कंप्यूटर या सर्वर को हम बोलते हैं होस्ट, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक की समावधि होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए जारी तिथि से 3 महीने तक, जो कि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं ईमेल रिसीव करने के लिए, POP3 एंड IMAP, और यहाँ पे दोनों प्रोटोकॉल दिए गए हैं, तो दोनों का अलग अलग काम होता है। जब हम ईमेल क्लाइंट के थ्रू मींस जैसे आउटलुक एक्सप्रेस है, इस तरीके की जो हमारे ईमेल क्लाइंट्स होते हैं उनके थ्रू जो ईमेल रिसीव होती है तो वो होती है POP3 के थ्रू, और जबकि हमारा जो वेब ब्राउजर के थ्रू ईमेल एक्सेस होती है वो होता है IMAP, मींस इंटरनेट पे ईमेल संदेश प्राप्त करने के लिए जो प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है वो होता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान XP, इन्होंने मेरे चैनल का नाम दे दिया, ओके थैंक यू। ज्ञान XP123@gmail.com का यूजर नेम चेंज हो सकता है, यहाँ पे कोई मे बी दूसरा ईमेल आईडी रहा होगा, इन्होंने उस एग्जाम्पल के तौर पर इस ईमेल आईडी को यूज कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, का यूजर नेम चेंज किया जा सकता है। तो किसी भी ईमेल आईडी का आप यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन होगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में एवरेज 10, 12, 15, 14 इन सभी को ऐड करते हैं या एवरेज निकालते हैं, इस तरीके से पुट करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एवरेज एक फंक्शन होता है जो कि एक्सेल में यूज करते हैं एवरेज निकालने के लिए, तो यहाँ पे 10, 12, 15, 14 चार अलग अलग नंबर है, और जब एवरेज निकालते हैं तो इन सबका टोटल डिवाइडेड बाई 4 होगा, तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें होगा 12.75। आप चाहें तो इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि शायद इन्होंने ऑप्शंस अपनी तरफ से ऐड किए होंगे, तो यहाँ पे अगर यही ऑप्शंस थे या फिर यहाँ पे जो भी इनपुट दिया इन्होंने 10, 12, 15 प्लस 14, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12.75। ओके, तो कुछ और क्वेश्चन हैं जो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण किस्तों से चूक जाना, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, ऋण किस्तें ना देना, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्के कौन जारी करता है, तो केंद्र सरकार ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सिक्के जारी करती है जबकि नोट्स RBI इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से व्याकरण की अशुद्धि सुधारी जा सकती है, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑल्ट प्लस F7 यूज करते हैं। हालांकि यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है सर ऑप्शन सही से याद नहीं है, आप आंसर दे दीजिए, तो मैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है हमारा ऑल्ट प्लस F7। आप चाहें तो अलग से कहीं नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे गेटवे, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी रो की मैक्सिमम हाइट कितनी होती, और ये क्वेश्चन इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है 409 मैक्सिमम हाइट होती है, और ये पॉइंट होता है 409 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलनेट से या टेलनेट में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं या की जा सकती है, तो ये क्वेश्चन होगा फॉल्स। टेलनेट हमारा रिमोट एक्सेस के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, जबकि फाइल ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरा प्रोटोकॉल होता है जिसको बोलते हैं FTP, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा फॉल्स, और ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा जा चुका है और मैं इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ शायद इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ईमेल
पूर्णतः डिलीवर नहीं होता है तो सेव रहता है। तो यहाँ पे कहाँ पे सेव रहता है, जब आप किसी को मेल सेंड करते हैं और अगर वो डिलीवर्ड नहीं होता है तो वो मेल हमारा सेव रहता है ड्राफ्ट के अंदर। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विंडो 10 में क्या नया आया है। और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। अगर आपके पास ये कंप्लीट क्वेश्चन है तो प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पे विंडो 10 से रिलेटेड जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं वो उससे मैच नहीं करते, क्योंकि विंडो 10 में काफी सारे नए नए फीचर्स आए हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, इस क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहे हैं। तो मे भी यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑप्शन रहे होंगे। ओके, तो कुछ और क्वेश्चन हैं जो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस नंबर तक ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो कि क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मे भी लिखा होगा आईपी एड्रेस किस नंबर से किस नंबर तक वैरी करता है। जैसे कि आईपी एड्रेस लिखते हैं 0 to 255 तक वैरी करता है, जब आप कोई आईपी एड्रेस देते हैं तो 0 to 255 के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हैं वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 0 to 255 तक होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में से नहीं दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड में सीपीयू रैम रोम जुड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल सही, जो हमारा मदरबोर्ड होता है जिसको मेन सर्किट बोर्ड बोलते हैं उसमें सीपीयू रैम रोम ये सारी कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा ट्रांसफर है। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं वो है पीयर टू पीयर, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक काफी अच्छा सा मैसेज डाला है, आप लोग इसको बाद में देख लीजिएगा स्नैपशॉट से, क्योंकि मैं यहाँ पे रीड करूंगा तो टाइम लगेगा। और काफी अच्छा सा मैसेज दिया इन्होंने और काफी मोटिवेट किया है मुझे, तो मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इंटरनेट www होता है। तो ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हमें अपनी बातों में दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल सही और इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम सर्च इंजन को वेब ब्राउजर में बदल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होगा फॉल्स, हम सर्च इंजन को वेब ब्राउजर में चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस आर क्या है। तो ये राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एक कंटेंट को राइट अलाइन करता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेल, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली स्प्रेडशीट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्विज को सर्च करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो सर्च इंजन, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास ए नेटवर्क का मास्क 255.0.0.0 होता है। तो ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल सही, जो यहाँ पे क्लास ए का मास्क दिया है बिल्कुल सही दिया है। अगर इसी तरीके से क्लास बी का मास्क पूछा जाएगा तो होगा 255.255.0.0। और अगर हम क्लास सी की बात करें तो उसका जो मास्क होता है 255.255.255.0 होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस आई से वाक्य कुछ तिरछे हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन होगा ट्रू। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, काफी सारे नए क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप लोग बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस हमें सेंड करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो लोग एग्जाम देंगे CCC का मैं उनको हेल्प कर पाऊंगा। ओके, तो इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। हमारी वीडियोज को आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर करते रहिए, ताकि ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।